सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये IQ के 7 लेजेंड के ऊपर है। ये एक बेस्ट गेमिंग फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम पैकिंग के साथ आता है। वीवो का IQ लेजेंड 7 या 7 लेजेंड, जो करीब 45,000 MRP है, और डिस्काउंट अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से ये अमेज़ॉन पे 38 का पड़ता है। और ये इसके बुकलेट्स हैं जिसमें BMW कार्स का, क्योंकि ऑफिशियली BMW का पार्टनर है, और ये हमारी मैनुअल है। इसके साथ में सिम इंजेक्टर टूल भी यहाँ लगी हुई आती है, और इसमें वारंटी कार्ड भी इसी में है। ये हमारा फ़ोन है IQ का 7 लेजेंड, जो लिमिटेड एडिशन BMW ग्राफिक के साथ आता है। उसके साथ में जो चार्जर आता है, ये इसका बैक कवर है, जो काफ़ी शाइनी है और काफ़ी स्लिपी भी है। और ये इसकी टाइप सी केबल के साथ में 66 वॉट का फास्ट चार्जर भी आता है। और कंपनी क्लेम करती है कि ये 25 मिनट्स में फुल चार्ज भी हो जाएगा, और ये अभी तक का सबसे फास्ट 888 प्रोसेसर के साथ आने वाला 40,000 के अंदर का पहला फ़ोन है जो IQ की तरफ से 7 लेजेंड आता है। फ़ोन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में है, फ्लैगशिप फ़ोन है। काफ़ी बैक पैनल देखो तो बैक पैनल इसका ग्लास के साथ में आता है, फ्रंट का ग्लास में टेम्पर्ड लगा हुआ भी आता है, और साथ में इसका जो पावर बटन है वो ब्लू कलर में आता है। इसका जो फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम है वो स्क्रीन के अंदर ही दिया गया है, और उसके साथ में काफ़ी फास्ट भी है। और ये 888 प्रोसेसर के साथ में आने वाला पहला फ़ोन है जो 40,000 की रेंज में आ जाता है। ये LPDDR5 रैम के साथ में 8GB प्लस 3GB आता है, जो 3GB फ़ोन अपने आप एक्सटेंड भी कर सकता है जब इस फ़ोन को एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी 120Hz की डिस्प्ले आती है और 300Hz का टच रिस्पॉन्स आता है, और BGMI के अंदर ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी करती है टच स्क्रीन, जो 120Hz के साथ में आती है। क्योंकि इस फ़ोन के साथ काफ़ी अच्छे आपको बोले तो ग्राफिक भी मिल जाते हैं, जिसमें हाई एंड ग्राफिक है, जहाँ पे इस फ़ोन के साथ में Ultra HD मोड भी ऑन हो जाता है। Ultra HD के साथ में यहाँ पे HDR एक्सट्रीम, अपना HD एक्सट्रीम, और स्मूथ में एक्सट्रीम, बैलेंस में एक्सट्रीम, 90 FPS फोन में आया नहीं है। मे भी आगे जाके कंपनी अपडेट के साथ में इसमें 90 FPS का भी सपोर्ट दे दे, पर 90 FPS पे बहुत ही कम लोग खेलते हैं। जो OnePlus यूज़र हैं वो HD में खेलते हैं, iOS यूज़र हैं वो HD में खेलते हैं। जैसे मैं खुद पहले iOS में खेलता था, iOS के मुकाबले इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, और साथ में इसमें कुछ गेमिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जहाँ इसमें ईगल आई का सपोर्ट है। ईगल आई में ग्राफिक थोड़े से बेटर हो जाता है, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो काफ़ी प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है जो 40,000 के अंदर आ जाता है। और अगर इसकी जायरो की बात करें तो जायरो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। जायरो रिस्पॉन्स के साथ में आप इसमें अच्छे से अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा खेल सकते हैं उसको, अगर आप विदाउट गेमिंग भी अगर आप यूज़ करते हैं तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी 888 प्रोसेसर में आने वाला, 40,000 में 888 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला फ़ोन है जो फन टच OS के साथ आता है एंड्रॉयड 11 पे। काफ़ी प्रीमियम फ़ोन होने के साथ में काफ़ी फ्लैगशिप भी है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। कैमरा तो जो गेमिंग चलेगा उसके लिए कैमरा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस रेंज में OnePlus का 9R भी आता है, बट 9R से अच्छा गेमिंग फ़ोन ये है, क्योंकि यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे फीचर्स देखने को मिले। यहाँ ऑप्टिमाइजर का फीचर है, जहाँ अगर आप अल्ट्रा गेम मोड ऑन कर देते हो उसके बाद में भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा गेमिंग करता है। अगर मेरी माने, मेरा ओपिनियन तो यही है कि अगर आपका बजट अराउंड 40,000 है तो आप IQ के 7 लेजेंड के ऊपर जा सकते हैं, और OnePlus के जो जाने वाले हैं वो OnePlus लेंगे। बट मेरा तो फर्स्ट रिस्पॉन्स ये है कि मैंने iPhone XR में भी गेमिंग कर चुका हूँ, मेरा खुद का गेमिंग चैनल भी, मैं ये वीडियो डालता हूँ। तो अगर मेरी मानो या मेरा रिस्पॉन्स मानो तो आपके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन अभी तक का है वो IQ 7 लेजेंड है, जो 40,000 का बजट है तो वो जा सकता है, या फिर IQ का Z3 जो 768 प्रोसेसर के साथ में आता है, और उसके सेकेंड नंबर पर Poco X3 अगर गेमिंग के लिए। क्लासिक मैचेस भी खेल के देखे, ग्राफिक काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्मूथ ग्राफिक है, और काफ़ी हायर सेटिंग के ऊपर भी आप खेल सकते हो बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। और सबसे ज़्यादा गेमिंग के लिए इम्पोर्टेंट फ्रेम ड्रॉप, अगर आपका फ्रेम ड्रॉप
ड्रॉप होगी तो आप गेमिंग कितना भी अच्छा फ़ोन हो आप गेमिंग नहीं कर सकते। और अगर इसका कंपैरिजन किसी और गेमिंग फ़ोन से करना चाहें तो अभी तक के 40,000 की रेंज में कोई गेमिंग फ़ोन नहीं है जिसके आप कंपेयर कर सकते। और काफ़ी फ्लैगशिप मतलब आप ट्रिपल एट प्रोसेसर में आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। कुछ लोग कि भाई ये फ़ोन बहुत हीट करता है, बहुत वो है, इसका चार्जिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, 4000 mAh की बैटरी आती है उसके साथ, तो काफ़ी बोले गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो सब मुझे नहीं लगा। मैंने जब इसको चार्जिंग में लगाया तो अराउंड 25 मिनट्स का चार्ज हो गया था। और ये प्रोसेसर काफ़ी हीट तो होता है बट मुझे गेमिंग खेलते टाइम उतना मैंने अराउंड 1-1.5 घंटे की गेमिंग की थी। मैंने क्लासिक मैचेस भी खेले, कुछ अरीना मैचेस भी खेले। तो मेरे हिसाब से मेरा अगर रिकमेंडेशन है और फ़ोन लेना चाहते हैं तो 40,000 में आई फोन ले जाए बेस्ट फ़ोन है। और आप उसको डेली करना चाहें गेमिंग भी खेलना चाहें गेमिंग भी खेल सकते हैं। और जो इसकी स्क्रीन में ईगल आई फंक्शंस आते हैं, ईगल आई में ग्राफिक मैंने पहले बताया था ग्राफिक काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर अल्ट्रा गेमिंग मोड को इनेबल करना है तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके पहले उसे सेट करना पड़ेगा। फिर राइट साइड में जहाँ पे अपना कैमरा आता है वहाँ से आप स्वाइप करेंगे तो वो फंक्शंस इनेबल हो जाएंगे। उसमें वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ब्लॉक करने का, ब्राइटनेस लॉक करने का और कॉलिंग वगैरह, और वहाँ पे ईगल आई का मोड भी मिल जाएगा जिसमें इसके ग्राफिक्स और भी बेटर हो जाएंगे। अगर वही फिर से दोबारा वही बात कहूँगा 40,000 में जाना हो बेस्ट फॉर गो। और इसके अलावा अगर आपका बजट वन प्लस लेने का तो सेकेंडरी फ़ोन है वन प्लस ले सकते हैं। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करके बताना फ़ोन कैसा लगा और अगला किस फ़ोन के बारे में रिव्यू।